कहते हैं भूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इसे एक बार फिर से सच साबित कर दिखाया है बालोद के युवाओं की संगीत टोली ने। इस टीम के सदस्य भले ही आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद पर इसे हावी नहीं होने दिया। बात चाहे फिर आर्थिक समस्या की हो या निजी परेशानी की, इन सब का सामना करते हुए युवाओं की यह संगीत टोली इन दिनों सोशल मीडिया सेंसेशन बनी हुई है। संगीत की इस टोली में संगीतकार भी हैं और गीतकार भी, तबला वादक भी हैं और लेखक भी। यह टीम बहुमुखी प्रतिभा की धनी लोगों की टीम है। तो आइए आपको आज मिलवाते हैं बालोद के युवाओं की इस संगीत टोली से। नमस्कार साथियों, हमारे साथ अभी मौजूद हैं बालोद जिले के उभरते सितारे, जो कंपोजर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, खुद वादन करते हैं और संगीत भी देते हैं, आवाज भी देते हैं। एक छोटे से बालोद जिले के नाम को ये लगातार प्रदेश और देश स्तर तक रोशन कर रहे हैं, जिसमें वैभव साहू सीजी तबला भी हैं, वेद प्रकाश साहू हैं, साथ में दो अन्य लोग भी हैं जो कि अभी संगीत के क्षेत्र में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद वैभव साहू जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्हें अभी प्रसिद्धि मिल रही है, कैसे उन्हें प्रेरणा मिली और शुरुआत कहां से की और आगे कहां तक जाना चाहते हैं। वैभव जी बताएंगे कि किस तरह से आपने शुरुआत किया और आगे क्या रुचि है, कहां तक जाना चाहते हैं और एक छोटे से बालोद जिले में आपको कैसा मंच चाहिए और वर्तमान में आप अपनी कला को दिखाने किसका उपयोग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बचपन से, हमारा परिवार संगीत में है और मेरे मम्मी पापा जो संगीत में, मतलब बचपन से मुझे रामायण की प्रस्तुति जो हम लोग, मैं बचपन से करते आ रहा हूँ, रामायण में वादन करते आ रहा हूँ, हरिओम मानस परिवार हमारा रामायण चल रहा है और उन्हीं की वो से मैं, मुझे मतलब संगीत में रुचि हुई कि तबला में तबला कैसे बजाना है, ढोलक कैसे बजाना है, जस गीत में लोग हमारे छत्तीसगढ़ी में जो जस गीत बजता है तो जस गीत में हम कैसे तबला बजाएंगे, ये धीरे 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 रुचि बढ़ते गई और उससे फिर मैं मतलब माँ के ही थ्रू मैं वहाँ तक पहुँचा संगीत सीखने के लिए। कितने सब्सक्राइबर हैं आपके और कितने वीडियोस बनाए हैं, कितने एल्बम बनाए हैं, पूरा बताएंगे। जी मैंने अभी यूट्यूब में मतलब छत्तीसगढ़ी तबला वो सिखाने की कोशिश की है और इसके माध्यम से लोगों तक ये पहुंचा, उनका प्यार मिला, तब तक आज अभी लगभग 32,000 सब्सक्राइबर मेरे पास हैं और फेसबुक में वही 10,000 फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम में भी 5,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। तो ये सब लोगों का प्यार अभी तक मिलता आया हुआ है और छत्तीसगढ़ी में तबला प्ले करना मतलब लोगों को ये पसंद आ रहा है, उनका प्यार मुझे मिल रहा है। बालोद के लिए क्या कहना चाहेंगे? जी बालोद के लिए ये है कि ये बालोद हमारा एक छोटा सा शहर है तो, पर यहाँ कलाकार भूत है। कलाकार जहाँ तक मुझे अनुभव है कि यहाँ के जो कलाकार हैं, मतलब अगर हम सब एकजुट होकर काम करें तो फिर ये देश प्रदेश से होकर ये हम वहाँ अपना मतलब प्रस्तुति कर सकते हैं। तो हमारा बस यही प्रयास है कि हमारी जो संस्कृति है उसको लेकर हम प्रदेश को लेकर आगे बढ़ें और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन हो। कितने वीडियोज आपने बनाए? जी अभी तक हमने मेरे चैनल पे 4 वीडियो बन गए हैं और अदर प्रोडक्शन में भी अदर जिनको देना रहता है तो अदर 6-7 ऐसे हमने एल्बम बना चुके हैं और खुद के एल्बम भी तैयार कर रहे हैं और साथ में सभी पूरे बालोद के लोग मिलकर हम एक अनूठा प्रयास कर रहे हैं। अभी तक तो मेरे 5-6 गाने आ चुके हैं जो अभी एडीएम प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है पिछला गाना, और प्यार तो बहुत ज़्यादा मिल रहा है लोगों का। जैसा मेरा सबसे पहला गाना था जो हम लोग का पूरा प्रयास था, हम लोग की टीम का, बालोद से ही सब कलाकार थे जितने भी थे बनाए थे, तो उसमें अभी तक सुरता में 3 मिलियन के पार व्यूज चले गए हैं तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है और उसी को देखते हुए हम लोग फिर क्या है, बालोद एक छोटी सी टीम है और यहाँ पे कलाकार बहुत ज़्यादा है, जैसे कि वैभव बताए हैं कि कलाकार यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो हम ये चाहते हैं कि जितने भी कलाकार हमारे साथ आए हमारे साथ काम करें, हम बालोद को और बेहतर संगीत के क्षेत्र में और बेहतर लेके जाना चाहते हैं। जैसे आने वाले दिनों में, अभी तक सोशल मीडिया में आप लोग काम कर रहे हैं तो क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा मंच का कार्यक्रम यहाँ पर करने की योजना है आप लोगों की? बिल्कुल, जितना बड़ा कर सकते हैं हम बिल्कुल प्रयास करेंगे क्योंकि जनता जनार्दन जो भी है उनका सपोर्ट बहुत जरूरी है, तो अगर वो सपोर्ट अच्छे से कर रहे हैं हमको तो बिल्कुल हम एक कुछ बड़ा नया लेकर आने की बिल्कुल कोशिश करेंगे अपकमिंग प्रोजेक्ट अपना लेके। बालोद के लिए क्या कहना? बालोद के लिए ये कहना है कि जितने भी हैं, आपने वैभव साहू सीजी तबला में भी गाना देखा होगा, मेरा खुद का गाना एडियम प्रोडक्शन पे आता है,
तो हम चाह रहे हैं कि आसपास के जितने भी बालोद के आसपास के जितने क्षेत्र के लोग हैं वो आके हमारे साथ काम करें, साथ में काम करेंगे तो एक जो बालोद को नया पहचान मिलेगा संगीत के क्षेत्र में। हम चाह रहे हैं कि सब एक साथ एकजुट होकर काम करें ताकि बालोद अपना ही नाम अलग से करे संगीत के क्षेत्र में। क्या करते हैं आप, कितने संगीत बनाए हैं अभी तक और कितना सपोर्ट मिलता है सबका बताएंगे पूरा? संगीत तो मैं 30 से 40 गाने में भी कर दे दिया हूँ संगीत, और अभी मेरा हाल में गाना रिलीज हुआ है माया की कहानी करके, जिसमें हमारे वेद भाई मेल एक्टर में लीड रोल में है और काजल कौशिक का अभी हम लोग रोल दिए उसमें। शासन प्रशासन का अगर अच्छा सा सहयोग रहेगा तो हम आगे भविष्य में भी प्रदेश लेवल से लेके राष्ट्रीय लेवल पे भी अच्छे से कार्यक्रम और गीत एल्बम बना सकते हैं। ठीक, और क्या कहना चाहेंगे, कितने टीम है आप लोगों की, आगे और क्या क्या करना चाहते हैं? टीम हमारा तो अभी 20 से 25 लोगों का टीम है, और आगे जैसे वेद भाई बताए कि बालक के कलाकार जुड़े तो आगे हम अच्छे से और कोशिश कर सकते हैं करके, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा बालक के कलाकार को बोलता हूँ कि हम लोग के साथ जुड़े, काम करें और बालक का नाम हम लोग रोशन करें और छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन करें। देख रहे थे बालोद जिले के युवा साथियों को जिनको संगीत में काफी रुचि है और YouTube जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी प्रतिभा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन्हें क्या क्या आवश्यकता है, और उसके साथ ही ये बालोद जिले के पहले यूट्यूबर के रूप में भी उभर कर सामने आ रहे हैं कि संगीत इनके वीडियो 3 मिलियन सब्सक्राइबर को भी क्रॉस कर रहे हैं।